हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। सो अभी बहुत दिनों से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। बहुत सारे घर पे गेस्ट थे, बहुत सारा काम था और हम भरोसे से आए, फिर एग्जाम थी और सिर्फ 4 ही दिन थे दिवाली के बीच में, तो घर की साफ सफाई वो सब भी करना था। वो तो एक दिन में हो जाता, लेकिन अभी गेस्ट भी थे तो थोड़ा थोड़ा बहुत होता था। तो अभी दिवाली आ गई है, लेकिन अभी भी जो मेले है ना वो सारे साफ करने बाकी है। वो अब मैं दिवाली के बाद करूँगी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। भरोसे आने के बाद बहुत सारे घर पे गेस्ट थे, लेकिन हम लोगों ने दिवाली से पहले ही बहुत सारा इंजॉय किया। सब लोगों के साथ मिलकर बहुत ही मज़ा आया। और अभी आप ये लास्ट दिन ही है, कल तो धनतेरस है और कल तो लक्ष्मी पूजा वो सब होगा। लेकिन अभी आप मेरे रूम की हालत देख सकते हो, बहुत ही ख़राब है। अभी मुझे वो भी ठीक करना है। देखो ये सारे कपड़े बिखरे हुए, ये तो मैंने सेट कर दिया है। अभी चेहरे की कबर्ट है, अभी ये जो भरोसे आई है वो बैग भी अभी सेट करनी है, कपड़े प्रेस करने हैं, बहुत सारा काम है। फिर भी मैंने सोचा कि आज तो थोड़ा बहुत व्लॉग बना ही लेती हूँ, तो अभी पहले तो मैं वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ और उनके बाद ये सारा काम लेती हूँ। ये रूम में ही शायद शाम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे तो सब क्लीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिवाली के बाद भी अभी बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए भी सब प्रिपरेशन करनी है। रूम में जगह करनी है, गद्दे निकालने हैं और ऊपर से स्टोर रूम से। तो पहले तो सॉरी गाइस, अभी मुझे भी अच्छा नहीं लगता व्लॉग अपलोड ना हो तो, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं रहता था। घर पे बहुत सारे गेस्ट थे, मैंने ट्राइपॉड भी सेटिंग करके रखा था, वीडियोस भी बनाए, लेकिन वो जब गेस्ट गए ना तब उन्होंने मुझे मना किया कि प्लीज़ यूट्यूब में हमारे वीडियो मत डालना, क्योंकि सबको बहुत शर्म आ रही थी। क्योंकि ये तो कॉमन बात है, किसी को पसंद होता है किसी को पसंद नहीं होता है। तो मैंने वीडियो तो बनाया है लेकिन यूट्यूब में अपलोड नहीं करूँगी, सो अभी सिर्फ यादी के लिए रखूँगी ऐसे ही प्राइवेट करके, पब्लिक नहीं करूँगी क्योंकि नहीं पसंद है उनको। और वैसे भी वीडियोस भी ऐसे हैं, बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, तो थोड़े कॉमेडी वीडियो है, बहुत ही अच्छे थे। आप सब लोग को बहुत मज़ा आता वीडियो को देख के, लेकिन अभी उन लोगों की मर्जी नहीं है तो हम फोर्स नहीं करेंगे, नहीं वीडियो को पब्लिक नहीं करेंगे। और अभी एक गुड न्यूज़ भी है, वो मैं आपको दिवाली के बाद दूंगी क्योंकि दिवाली के दिन मैं उनका मुहूर्त करने वाली हूँ। तो चलो गाइस, अभी मैं फटाफट से वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ और आज तो मैं वीडियो एडिट करके बाद में ही ये सारा काम लूँगी, क्योंकि ये काम अगर मैं हाथ में ले लूँगी ना तो रात को 12 बज जाएंगे ना, फिर भी मुझे पता नहीं चलेगा। और एक बात सच में बोलूँ, मुझे काम करना है ना बहुत ही पसंद है। जब मैं काम करती हूँ ना तब ना तो मुझे भूख लगती है, और मैं ये वीडियो बनाना भी भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि मैंने अभी वीडियो अपलोड नहीं किया है। मेन मेरी गलती वही है कि मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता वीडियो एडिटिंग, या मैं खाना भी भूल जाती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ था कि सब लोग बाहर गए थे, अभी कल या परसों, एक परसों हाँ भूमि आई थी ना, तो माँ और सब उनको मिलने गए थे और मैं काम में लग गई, किचन को क्लीन कर रही थी, श्रियान और पृथु खेल रहे थे, तो वो दोनों को मैंने मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी खाना खिला दिया था कि मैं बाद में काम स्टार्ट कर सकूँ। तो वो दोनों ने खाना खा लिया और उनके बाद जब सब लोग 4 बजे आए तब मुझे याद आया कि मैंने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया है, मैं खाना खाना ही भूल गई थी। ऐसे ही हूँ, जब तक मेरे पास ये सारा काम होना तब तक मुझे कुछ भी याद नहीं आता, न वीडियो का न खाना, कुछ भी नहीं। तो चलो गाइस, अभी मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ और उनके बाद सारा काम लेती हूँ। तो चलो अभी के लिए आप सबको बाय। तो दिवाली का काम स्टार्ट हो गया है, आधा काम तो मैं करके भरत गई थी और अभी आधा काम बाकी है। मुझे लगा था कि स्क्रीन कर देगा, आफ्टरनून के बाद कपड़े की सारी कपड़े साफ करना है, वो आफ्टरनून के बाद।
अभी है ना मैं ये मेले पर चढ़ी हूँ, सब सामान निकालने के लिए। वहाँ पे कलर काम चल रहा है और इनको मैं यहाँ पे पहले टेबल पे रख देती हूँ। पैकेट को है ना पैक करना। प्रूफ आवे छे? प्रूफ आवे तो लगे क्या है। तो जो अभी यहाँ पे सब बर्तन निकाले और अभी तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो ये वो है ना, तो मैं दूसरी को एक एक करके देती हूँ। देखा उद्योग मैं देखा थी ना वीडियो काडू काडू छे। लाइक कर तो लाइक कर देखा। तो ये सारे बर्तन है पृथ्वी। ओ पृथ्वी ले तू कर, पृथ्वी तू कर। माथे नत पकड़ा तू मोबाइल। ए पृथ्वी तू कर, वो नीचे धीरे पड़ी गई। पृथ्वी ए पृथ्वी आए ले आ दे पृथ्वी ना वजन ले। हां पृथ्वी ले ले आए पृथ्वी ना वजन जवा देखो और खाए पे करो ना। ले तो कोई नहीं, हूँ स्टॉप करूँ। अरे पड़े हूँ बॉस करी छू। तो बहुत काम की वस्तु निकली मामा तो। दूर जाने उतार। टेबल पकड़ी रख तो सी यार। शांति मावे ने गरी यार तारा हाथ में है बढ़ते तो लंग जाता है। एक बार है ना बहुत हाइट से गिर गई थी ना, तो मुझे थोड़ा थोड़ा हाइट से डर लग रहा था। नीचे देखा ना दांत टूट गया था। वीडियो देखी होगी। डर 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 डर। अब ये सारे बर्तन को क्लीन करना है, फिर श्रीयान और पृथ्वी इनको पोछेंगे और मैं फिर से मेड़े पर चढ़ाऊंगी। तब मम्मी को बहुत मजा आई थी। तब शांति मम्मी को बहुत मजा आई थी। ये से डर 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 डर। चलो पहला तो आ खाई मैं खाई मैं पड़ी आज ही दिखवा माई वा इन्हीं ये क्या गुजराती। तो अभी यहाँ पे सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं, लेकिन अभी ये तांबा और पीतल के है वो बाकी है। ये जर्मन और स्टील तो सब क्लीन हो गए हैं, लेकिन इनको साफ करने में है ना बहुत टाइम लगेगा। तो भी पहले ये कर लेती हूँ और बाद में सारे ये बर्तन को मैं मेले में चढ़ाऊँगी फिर से। इस
सारे बर्तन एक्स्ट्रा है, इनका कभी कभी यूज होता है तो इनको मेले में ही रखते हैं, जब जरूरत होती है तब निकालते हैं। तो भी पहले तो तांबा और पीतल के बर्तन को क्लीन कर लेती हूँ और उनके बाद ये सारे बर्तन को पोछूंगी। तो अभी घर पे गेस्ट आए हैं, हाजा काका और भरमी मासी, ये गीता दीदी के काका जी और काकी जी भी है, और माँ हाजा काका है वो माँ के मासी के बेटे है, और भरमी मासी है वो माँ के मामा की बेटी है। तो बहुत सारी सगाई है हमारी। जयदीप शुगर है, क्या कर रहे हो? बस नावा जाऊं खाली नेवा। तू नहीं नहालेंगी? और नहीं खाली नेवा नावा जाऊं ने भूख लगी हल भात थे गया। जयदीप को अभी लेमन राइस खाने हैं, तो लेमन राइस तो बन गए हैं तो तुम अकेले खा लो। मैं ये पूछना ही थी कि अमीर भाई यहाँ पे खाने वाले हैं या बाहर खाने वाले हैं उनके लिए। तो क्या है ना कि मैंने मूंग की सब्जी बनाई है तो उनको नहीं चलेगी, तो मैं उनके लिए दूसरी सब्जी बना लू। नहीं अवता सुधीम रेडी थी जैसे जा। ओके वन मिनट। हाँ न्याय उतारी हूँ तो अभी यहाँ पे मूंग को सुखाने के लिए रखे हैं। ये मॉर्निंग में ही भिगो के रख देते हैं, फिर आफ्टरनून में 4 या 5 बजे इनको उनका पानी निकाल के सुखाने के लिए रख देते हैं, लेकिन आज भूल गए थे तो अभी शाम हो गई है, 9 बज गए हैं। तो अभी इनको सुखाने के लिए रखे हैं, ये थोड़े से सूख जाए उनके बाद फिर से इनको बाउल में रख देंगे और फिर से ढक के रख देते हैं जिनसे ये स्प्राउट हो जाए। पापा अभी यहाँ पे अपने कपड़े सेट कर रहे हैं। अभी ये यश का वीडियो है, अभी यश का बर्थडे नज़दीक आ रहा है तो जयदीप ने यश के लिए गिफ्ट ली है, तो यश उनका अनबॉक्सिंग कर रहा है। अभी ये मेरी चैनल पे मनीषा दीदी पहली बार वीडियो बना रही है, मनीषा दीदी का पहला वीडियो है, तो यश बहुत खुश हो जाएगा गिफ्ट को देख के, क्योंकि यश का फेवरेट है स्केटबोर्ड है। अभी यस दिखाएगा आपको, और ये एज लिमिट वाला नहीं है इसलिए यस इनको लाइफ टाइम यूज़ कर सकेगा, और अच्छा क्वालिटी का भी है तो ये टूटेगा भी नहीं और लाइफ टाइम यस इनको यूज़ कर सकेगा। अभी यस घर में ही यस स्केटबोर्ड चला रहा है, बहुत खुश लग रहा है। थैंक यू शांति मासी, एंजॉय दीप मासा।